लैंग्वेज एक्सपर्ट से पूछिएगा जरा अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सदन में और उसके बाहर। और ये बात आज सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पार्टी लाइंस को तोड़ते हुए तमाम सांसदों ने इस बात का जिक्र किया है। और आप माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। स्मृति ईरानी जी, आप इस देश की सिर्फ चुनी हुई सांसद ही नहीं, एक कैबिनेट मंत्री भी हैं। और आज आपने जिस रवैये और जिस बर्ताव का परिचय दिया है वही आपके दुर्व्यवहार का प्रमाण है। एक 75 वर्ष की सांसद को, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष को, 10 साल तक यूपीए की अध्यक्ष रह चुकी सोनिया गांधी जी को हाथ नचा नचा कर बात करना और अपने संघी साथियों को उकसाकर फिजिकली इंटिमिडेट करने का काम, ये बताता है कि जब आपके पास कहने को कुछ नहीं रह गया तो आप हाथ पांव उंगली नचाने पे उतर आई हैं। लेकिन ये सिर्फ उनका अनादर नहीं है, ये संसद की, सदन की गरिमा को भंग करता है और इस देश की हर महिला का अपमान है। आपको इसका जवाब देना चाहिए। मुझे तरस आता है आप पर, क्योंकि जब हाथरस होता है, जब लखीमपुर में चीरहरण होता है, जब एक लड़की को 2 बजे रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है, जब आपके विधायक रेप के मामले में दोषी पाए जाते हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप चुप रहती हैं जब इस देश के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, लेकिन जब आपको परिचय देना था गरिमा का सदन में, तब आपने इतनी गंदी हरकत करी है जिसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। मुझसे आपसे ज्यादा तरस तो उन महिला मंत्रियों और विधायकों और नेताओं पे आ रहा है, आपकी संगी साथियों पर, जो आज खड़े होकर नारेबाजी कर रही थी। अरे बहन जियों, जब हाथरस हुआ तो क्या मुंह में दही जम गई थी जिस पर आज जीएसटी लग गई है? थोड़ी तो शर्म करिए, आप लोग महिलाएं हैं, चुनी हुई सांसद हैं। और स्मृति जी, आप बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट से पूछिएगा जरा अपनी बॉडी लैंग्वेज के बारे में सदन में और उसके बाहर। और ये बात आज सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पार्टी लाइंस को तोड़ते हुए तमाम सांसदों ने इस बात का जिक्र किया है और आपके झूठ का पर्दाफाश किया है, जो बदतमीजी और जो अभद्रता आज आपने सोनिया गांधी जी के साथ की है। मैं एक और बात आपसे बोलना चाहती हूं स्मृति जी, आपकी बौखलाहट, आपका फ्रस्ट्रेशन और आपका रैटल होना साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जवाब तो आपको देने हैं सिली सोल्स बार की, अवैध बार चलाने की प्रक्रिया को गोवा में। आपको लगता है ये सब करके आप एक ध्यान भटकाऊ आंदोलन चलाएंगे और लोगों का ध्यान भटक जाएगा? नहीं स्मृति जी, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि बिना लाइसेंस के, मृत व्यक्ति के नाम पर लिए हुए लाइसेंस के साथ, ये अवैध बार का स्कैम चल कैसे रहा था? और जब तक आप जवाब नहीं देते थी ना, हम चुप नहीं रहेंगे। आप कितनी भी अभद्रता करिए, आप कितनी भी गरिमाओं को लांघिए, क्योंकि उससे आप अपने असलियत का परिचय देती हैं। सोनिया गांधी जी इस देश की ही नहीं, विश्व भर में राजनेताओं में उनकी गिनती होती है, उनकी गरिमा, उनकी मर्यादा और उनके शालीन व्यवहार की सब लोग कायल हैं। आपकी अभद्रता से उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी अभद्रता आपकी असलियत जरूर बयां करती है। चाहती थी, लेकिन इनकी शालीनता के उत्तर में भाजपा सांसदों के द्वारा बहुत बुरा घिनौना एक व्यवहार किया गया, जिसमें हमने देखा कि दोनों महिला और पुरुष सांसद, पूर्व मंत्रीगण, उनको चारों तरफ से घेरकर ऐसा एक वातावरण बनाया कि उनको धक्का लग सकता था, उनको चोट पहुंच सकती थी। महिला सांसदों ने तो उन पर आपत्तिजनक बातें की और व्यवहार किया, पुरुष सांसदों ने भी उस प्रकार से आपत्तिजनक बातें और व्यवहार उनके साथ किया। यही दिखाता है कि जो पार्टी महिला के नाम सांसदों, माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इस राष्ट्र का ये गौरव है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने 75 साल की आजादी में पहली बार एक गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, राष्ट्रपति पद का
सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। सोनिया जी, सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सोनिया जी, सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ पुअर वुमन हु असेंड्स टू द हाईएस्ट ऑफिस इन दिस कंट्री। यू सैंक्शन द इंसल्ट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन यू थ्रू योर मेल कांग्रेस वर्कर्स एंड लीडर्स हैव कंटिन्यूड टू डिमीन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपोलोजाइज टू द नेशन, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की। तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं। माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो। राष्ट्रपति को खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।